मैं यहाँ बैठा हूँ और तो वो ही ना मेरी मिन्नतें गा रहा है, पता नहीं मुझे क्या कह रहा है। देखें उसकी बातें सुनते रहे आप। स्कूबी तो बुई क्यों, क्या हुआ है? हाँ क्या हुआ है, क्या कहना चाहते हो? दे देखें प्यार ले रहा है इसको भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है, और मैं भी बहुत बेहतर हूँ, बहुत बहुत बेहतर हूँ। आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ से काफ़ी बेटर हो गई है। तो अभी जी दिन का स्टार्ट करते हैं, और आज जुमा है, आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक। अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, फुज़ैल घर पे नहीं है, जब वो आएंगे तो फिर उनको दूंगी, वो काम से बाहर गए हुए हैं। और मैंने ब्रेकफास्ट में आज खाया है क्या, मैंने सिर्फ अनार खाए हैं और 4 मैंने ना फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज ली हैं। मैंने एक्चुअली दोबारा से अपनी डाइटिंग स्टार्ट कर दी हुई है, और जो कि है ग्लूटेन फ्री, डेयरी फ्री, शुगर फ्री, ये 3 मेरे रूल्स हैं डाइटिंग के। तो उस हिसाब से फिर मैंने ना नेचुरल शुगर तो ले सकते हैं, मतलब फ्रूट्स भी, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड, और वो भी वो जिसमें ज़्यादा शुगर ना हो। तो मैंने इसीलिए आज अनार लिए हैं और मैंने स्ट्रॉबेरीज लिए हैं, वो मैंने कर लिया है। अभी मैंने अपनी मेडिसिन खानी है, वो भी खाऊंगी, और मैंने चाय तो ऑब्वियसली मैं नहीं पी रही क्योंकि डेयरी फ्री हूँ, तो फिर मैंने ग्रीन टी पीनी है। तो अभी मैं जाने लगी हूँ किचन में, अपने लिए ग्रीन टी बना के पीती हूँ, और ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और ये हैं जी वो सप्लीमेंट्स जो मुझे डेली बेसिस पे खाने होते हैं, और अभी बस मैं ब्रेकफास्ट के बाद ये खा लेती हूँ। और यकीन करें, जब से मैं सप्लीमेंट्स खाने लगी हूँ ना, तो मेरी हेल्थ को काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। जो मेरी बॉडी पेन होती थी उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। और ये चीज़ें जो हैं ये आप ख़ुद से नहीं ले सकते, आपको किसी डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत होती है, टेस्ट करवाने पड़ते हैं और अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ही लेना पड़ता है। तो मैं भी अपनी डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर ले रही हूँ। सो अभी बस ये पीती हूँ, और इसके आधे घंटे के बाद फिर मैं ग्रीन टी पीऊंगी। कैट्स जो होती हैं ना, प्लांट्स की दुश्मन होती हैं, है ना मिस मैगी? आप सबसे बड़ी दुश्मन है मिस मैगी। अभी मैं आपको दिखाऊं इसने क्या किया है। ये वाला इस प्लांट का ये पत्ता तोड़ा हुआ है साशा ने, छोटी साशा ने। और ये अभी मैं अंदर आई हूँ लाउंज में, और इस वाली स्टेम को जो है ना मिस मैगी ने तोड़ा हुआ है। मिस मैगी अब दुश्मन हो मेरी प्लांट्स की। मैगी कहाँ जा रही हो, कहाँ? अब बाहर जा रही है। अच्छा, बाहर जाने का मतलब ये नहीं होता कि गली में जा रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि आप इनको बाहर ना जाने दिया करें, तो ये बाहर नहीं जा रहे होते, ये गैरेज में जा रहे होते हैं। ये भी हमारा ही घर है बाहर भी, तो ये गैरेज में जा रहे होते हैं। ऑब्वियसली रोड पर तो मैं इनको कभी भी ना निकालूं, और जाते भी नहीं है, डरते बहुत। इनकी अभी तक सुबह नहीं हुई है, नींद नहीं पूरी हुई इनकी अभी तक। और लंच में मैंने अपने लिए बनाया है मसाला ओट्स। वैसे तो मुझे ओट्स नहीं पसंद, लेकिन आज तो इतने मज़े के बने हैं ना, उफ मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत मज़े के ओट्स बने आज। तो लंच किया, तो उसके बाद मैं फिर सो गई थी थोड़ी देर के लिए। तो अभी शाम हो रही है और अब उठी हूँ, और एक कप पीऊँगी मैं ब्लैक कॉफ़ी का। सर बहुत दर्द कर रहा था। अच्छा, जब आप नई नई डाइटिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत सर दर्द करता है, बहुत ज़्यादा।
तो मेरा भी सर दर्द कर रहा था काफ़ी, तो बर्तन धो के रखे हुए थे मैंने दोपहर को ही, अब बस उनको अरेंज कर रही हूँ, ड्राई हो गए हैं सब, तो कैबिनेट्स में रखती जा रही हूँ और साथ साथ में अपने लिए बनाऊँगी कॉफ़ी। और मुझे चाय की एडिक्शन इतनी ज़्यादा है ना, यकीन करें इतनी तलब होती है चाय की, लेकिन डेरी फ्री डाइट कर रही हूँ तो फिर चाय नहीं पी सकती। वैसे आमंड मिल्क वगैरह में आप पी सकते हैं, लेकिन मुझे वो मज़ा ही नहीं आता आमंड मिल्क का ना, तो मैं इसीलिए मैं कहती हूँ बस जब आपको मज़ा ही नहीं आ रहा एक चीज़ का तो आपने क्यों पीनी है, तो उससे बेहतर है कि ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी पी ली जाए। सो बस कभी ग्रीन टी पी लेती हूँ, कभी ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ, तो ऐसे ही दिन जो है ना मेरा गुजर जाता है। सनी कैसे सो रहे हो, कितने बड़े हो गए हो माशाल्लाह से। आपकी नींद नहीं पूरी होती, आपकी नींद पूरी क्यों नहीं होती? आज ना काफ़ी टाइम हो गया सब बच्चों को आपसे नहीं मिलवाया, तो सब बच्चों को भी मिलवाता हूँ। चलें जी बच्चों को निकालते हैं। बच्चों को ना ये सारी डेकोरेशन की चीज़ें जितनी भी है ना अट्रैक्ट करती हैं, और आते ही ना वो देखना है इसी पर हमला करेंगे। देखें अब सब आएंगे बाहर अपने रूम की, उनकी लाइट ऑफ है और अपने रूम में सो रहे हैं। उनका रूम नो रूम जो है ना वो नीट एंड क्लीन है। ये अब निकलते जा रहे हैं और ये देखें काफ़ी दिन हो गए थे इन सबको इकट्ठा नहीं दिखाया था हमने, तो मैंने सोचा कि आज आपको ना सबसे मिलवा दूं। मफू दादा बेडरूम का दरवाजा बंद कर दो। वो देखें जी हमारी कैट्स कितनी मैनर्स वाली हैं, ऊपर काम हो रहा है और ना सिर्फ एक के अलावा डैनी के अलावा ना और एक जीवा के अलावा ऊपर कोई नहीं चढ़ा हुआ था, सब नीचे ही हैं और ये ऐसे ही रहते हैं किचन में ना, ऊपर कोई नहीं चढ़ता, सब नीचे ही होते हैं। इनको पता है ऊपर चढ़ेंगे तो इंसल्ट होगी हमारी। आज ना मैं आप सबको एक टिप देती हूँ कि घर में आप अपनी छुरियाँ कैसे तेज़ कर सकते हैं। कोई भी कप ले लें उसको उल्टा कर लेंगे, जो इसकी बैक साइड होती है ना, इससे बहुत अच्छी जो आपकी जितनी भी छुरी है ना वो तेज़ हो जाती है, जितनी भी लाइफ आपके घर हो। अब ये मेरे बड़े वाली है ना ये ब्लंट हो रही है, तो मैं इसको इसी के साथ शार्प कर लूँगी। कोई पुराना कप लेना, नया नहीं। हाँ कोई भी पुराना आपका कप पड़ा हुआ हो ना उसके साथ ऐसे कर लें, इससे बहुत तेज हो जाती है। ये देखें तेज हो गई है मेरी नाइफ, तो इस तरह से बाहर से जाके करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप घर में कर सकते हो। बाहर तो ये देखें कितनी तेज हो गई है। आपको हमारे व्लॉग में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव मिल ही जाता है, या कैट से रिलेटेड या फिर घर से रिलेटेड। अब ये भी सारा गंदा पार्ट में नीचे से उतार दूंगी और ऊपर से फ्रेश धनिया अलग हो जाएगा। ये वो मैक सब की धुलाई कर रहे हैं, इन सब को दिखाने का ये मकसद होता है हमारा कि जिस तरह हम इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको भी पता होना चाहिए ना, आप भी हमारी फैमिली के एक हिस्से हैं, तो जिस तरह हम टाइम स्पेंड करते हैं, जिस तरह हम इनके साथ वक्त गुजारते हैं, तो हम सारी आपके साथ हर चीज़ शेयर करते हैं। और आप जो भी हमें प्यारे प्यारे मैसेजेस करते हैं लोग, हम सब के मैसेजेस पढ़ते हैं। जिस तरह आप हमसे वाकिफ़ हैं, इस तरह हम भी आपसे वाकिफ़ हैं, हम भी आपको जानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बिज़ी होने की वजह से हम लाइक नहीं करते, लेकिन आप सब के मैसेज ना हम पढ़ते हैं और आप सबको भी हम जिस तरह आप हमें याद रखते हैं हम आपको भी याद रखते हैं। क्या कह रही थी? इवन हम लोग डिस्कशन भी करते हैं, तो हम लोग ना डिस्कशन भी करते हैं, जब किसी वीडियो में किसी सब्सक्राइबर का कॉमेंट नहीं आता ना तो हम लोग ये बात कर रहे होते हैं कि आज उस सब्सक्राइबर का कमेंट नहीं आया, मुझे सब याद होते हैं। हाँ देख लें हम आप लोगों से कितना प्यार करते हैं। ये क्या हुआ है?
हाँ अक्सर हम बात कर रहे होते हैं किसको क्या ये? क्या टूट गया ये पता नहीं, ये सब ये भी टूट गया। चलो ये मैं जोड़ लेता हूँ। स्कूबी साहब आपका मुंह आज क्यों गंदा है? आप तो जिंदगी में कभी मैले नहीं हुए, आज आपका मुंह गंदा हुआ है। दादू आप किस गम में मुबतला हैं? क्या गम है आपको? दादू जी बड़े खुश हो गए हैं बाहर आके, और सनी देखें अभी तक इनके साथ एडजस्ट नहीं हुआ, अभी भी ना इनसे डर रहा है। देखें इनसे सिमट के बैठ गए और ट्रेन के ऊपर लेट गया, पहले कितना रिलैक्स था सोफे पे लेटा हुआ था। सनी तुम इनके दोस्त बन जाओ यार, ये तुम्हारी फैमिली के हिस्से हैं। ये लो ये वो कायली भी तुम्हारी फ्रेंड आई हुई है, ये देखो सनी ये अब तुम्हारी फ्रेंड आई हुई है ना कायली, इसको कंपनी दो, इसके साथ खेलो। मुझे फ्रीजर में जगह खाली चाहिए। जब भी कैट जो है ना अपनी ये देखें, सनी को मार पड़ी है, सनी से ये ना नफरत भी करते हैं क्योंकि सनी इनके साथ नहीं रहता ना, सनी हमारे साथ ही रहता है, हम इसके साथ इनके साथ खुद ही नहीं सनी को रखते। वो देखें मैं आपको कह रहा था ना ये चीज़ें इनको अट्रैक्ट करती हैं, वो देखें डैनी, आप कहते हैं कि हम डैनी को नहीं दिखाते तो वो खड़ा हुआ सामने। हेज़ल अब आप ये खा जाओगी। हाँ ये हेज़ल मैंने पहले ही कह दिया था कि आके ना इन चीज़ों के साथ छेड़ाछेड़ी करते हैं। देखो सब कहते हैं डैनी को नहीं दिखाते, तो डैनी भी इधर बच्चों के साथ ही होता, आपको पता नहीं चलता। वो देखो फिर से अबॉर्ड पौधे टूटेंगे, वो पौधा तोड़ने गई है, ये देखो ये पागल है इसके पीछे ना। ये उठा लो यहाँ से डोनट, ये डोनट मुझे दे दे, ये लो। वो देखें जी अब पौधे के पास पहुंच गए पौधा तोड़ने। दादू ओ दादू को कुछ नज़र आ गया, दादू वो भगता, असल में फ्रिज खुला है तो दादू ने समझा कुछ फ्रिज से निकलेगा और मुझे मिलेगा और मैं मज़े करूँगा और इन्जॉय करूँगा खाऊँगा, लेकिन जब उसने देखा कि खाली बर्तन है तो फिर वो पीछे हो गया। ये देखें कितने बेवकूफ़ होती हैं कैट्स। हाँ बाकी क्यों, मैं पानी ही रहता हर वक्त, मुझे बस कुछ खाने को मिल गए और वो मैक्स सबकी धुलाई कर रहा है कि मुझे खाने को मिलेगा बाकी ना खा दें। डाइनो खूबसूरत डाइनो, पीछे हो जो तुमने पौधों की तबाही उतार दी है। ए आज इस फिश से कौन खेलेगा? ब्रॉनी ये तुम्हारी फिश मैं देने लगा हूँ। ब्रोनी की फिश देख के ना आंखें खुल जाती है, ये देख के। ब्रोनी मैं ये तुम्हारी फिश ना दे रहा हूँ किसी को, ब्रोनी को ना कोई पसंद नहीं है पूरे घर में, बस ब्रोनी को अपनी ये फिश ही पसंद है, किसी के साथ खेलती रहती है, अभी पता नहीं क्यों नहीं खेल रही। इन सब की ममा तुम्हें हमने ये सब पूरी फैमिली दी है, तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया जी। अभी हम ना तुम्हारे पूरी फैमिली को हाँ जी सुन लें, ये पूरी फैमिली जितनी भी है ना मिनी की फैमिली है, वो उन दोनों को छोड़ के मिनी की वजह से अल्लाह ने इतनी बड़ी हमें फैमिली दी ना। हाँ मिनी के बहुत बच्चे होते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्लू तो गुस्सा तो ना करता, बिल्लू चाहता है मैं अकेला ही बस लाडला बना, और तो कोई भी ना आए। हाँ और कोई मुंह भी ना लगाए, मैं अकेला ही ना, ये मुझे ही प्यार करें और मुझे ही उठाएं, वो अपनी धुलाइयों में मसरूफ है बेवकूफ। मम्मा का सबसे प्यारा बेटा अभी इसको धोएगा। हर किसी को मार रहा है कि पीछे हो जाओ। वहां पे बाप बेटे की लड़ाई शुरू हो गई है। और लड़ना नहीं आपने, जो लास्ट ब्लॉग में हमने कैट रेस्क्यू किया था तो उसके बारे में आप पूछ रहे थे कि अभी लाजमी बताना उसका क्या हुआ, तो वो सोसाइटी में ही किसी का था और हमें आइडिया था जिस घर का है, उस रात को तो हम लोग उनसे पूछ रहे थे, उन्होंने दरवाज़ा ही नहीं खोला था। नेक्स्ट डे फिर फुजैल ने जाके उनको दे दिया था, लेकिन वो भी हमने ऐसे नहीं दिया था, कन्फर्म पहले किया था, पहले वीडियो देखी थी
कि क्या ये सच में उन्हीं का कैट पहले है। मैंने खुद वीडियो देखी थी, फिर हाँ फिर मुझे भिजवाई थी मोबाइल पर, व्हाट्सएप पे, जब हमें कंफर्म हो गया हाँ ये उन्हीं का कैट है, फिर हमने उनको रिटर्न किया था। और मज़े की बात उसका नाम भी मफिन था। वो असल में हमारा वीडियो देखने का यही मकसद था कि ना किसी की कैट किसी और को ना चली जाए, हमें तो उसके ओरिजिनल मालिक के पास जानी चाहिए। और वो इतना प्यारा था, इतना प्यारा था, उसको अपने ओनर से प्यार भी बहुत था। कैट्स होती है बहुत ज्यादा लॉयल है। साशी किसी दे दो मम्मा को। साशी बिल्कुल, साशा और सकूबी जैसे हैं, बकी भी जैसा ही है, सेम टू सेम। अब उसने उस रूम में जाना है, वो देखना चाहता है कि ये बंद किया हुआ इसके अंदर क्या है। यहाँ पे धनिया पुदीना पुदीना उतारा जा रहा है डंडियों से, और इतना जबरदस्त खुशबू आ रही है ना पुदीने की। बगैर मुंह से बोले अगर आपने किसी को कहना हो कि मेरे पास कैट्स हैं तो ऐसे कह सकते हो। हाँ ये देखें, ये किसने मारा तुम्हें? पता नहीं किसी, ये शायद सनी के हाथ खेलते हुए लगा। हाँ मेरे तो पूरे, ये देखें ये देखें मेरे हाथ भी ना पूरे कटे हैं। सुल्तान ने उसका बेड़ा गर्क कर देना है, नहीं टिफी ने। इस तरह जिस जिसके पास कैट्स होती है ना, उसके हाथ देख के आपको पता चल जाएगा कि उसने कैट्स रखे हुए, उसके पास पेट्स हैं। डेनो आपको क्या चाहिए? साशा छाछिया, साशा बड़े गुस्से में है जी, आज लिफ्ट भी नहीं करवा रही, नूर को प्यार कर रही है साशा। एक मक्खी है, उस मक्खी ने इनका जीना हराम किया भाई। नूर के ना बार बार मुंह पे बैठती है, कभी नोज़ पे बैठती है, कभी मुंह पे बैठती है, तो नूर को उसने काफ़ी तंग किया भी। साशा का ना उस वजह से मैं आपको दिखाता हूँ, मक्खी की वजह से ना साशा का खून कितना खोल रहा है, साशा का मुंह देखें कितना सूजा हुआ है बलून की तरह ना। बिल्लू का तो मुंह फूला ही रहता है ना हर वक्त, बिल्लू को तो मैंने कभी खुश देखा ही नहीं। क्यों बिल्लू जी, हर वक्त बिल्लू गुस्से में रहता है। चाचिया जरा अपना मुंह दिखाओ, मक्खी ने तुम्हारा जीना हराम किया हुआ है, इसलिए तुम्हारा मुंह बना हुआ है ना। टैडी अंदर से बो रहा, और टैडी आ जा, और टैडी तेरा ही जिक्र हो रहा था, तू आ गया इधर। टैडी टैडी रह, टैडी हमारे साथ ही रहता है। टैडी ना बड़ी गहरी नींद में, टैडी हमारा पर्दा है पीछे ना, तो अक्सर रात को हमारे साथ जब होता है ना तो इस पर्दे को इकट्ठा कर लेते हैं। ये वाला पर्दा मैं आपको दिखाता हूँ, इसको नीचे से, ओह ये देखें सनी जी और कैली जी आपस में खेल रहे हैं, और इसका भी मुंह फूला रहता है। तो मैं आपको बर्दाश्त बता रहा था, टैडी इस पर्दे को इकट्ठा कर लेता है और इतना चला कर उस पर्दे को ना इकट्ठा करके सो जाता है ठंड से बचने के लिए। वो अपने खेल में मसरूफ़ है, आपको नज़र आ रहे होंगे पीछे कैली भाग के कमरे में गई है। अब ये लोग ना तुम्हारा घोड़ा तोड़ेंगे, अब वो घोड़े से प्यार लेने चली गई है साशा। मिनी जी 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 हाँ जी 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 को आवाज दो ना, तो जी जी अट्रैक्ट होती है। हाँ आप देखिए ना, आप छोटी मिनी की पुरानी वीडियो निकालिएगा और ये साशा की वीडियो, साशा को आप गौर से देखें, बिल्कुल छोटी मिनी जैसी लगती है माशाल्लाह। साशा छाछिया ये आपको नहीं बुला रहा, आप नीचे खड़ी रहो। बड़ी साशा नीचे से जवाब दे रही है कि क्या बात है, जो जो ज्योतिष निकली हुई है, ज़ूम करो ज्योतिषी। ओह माशाल्लाह चाची, ओह अंदर कर ली। ये देखें जी जी, ये ज़ोए, ये ज़ीवा, और ये हेजिटेट हेजल है, हेजल 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 हेजल। का व्लॉग यहाँ भी एंड करते हैं, हमें इजाज़त दीजिएगा। मैं आजकल व्लॉग में नज़र नहीं आ रहा, कल से मैं भी अपने आप को दिखाऊंगा, तो हमें इजाज़त दीजिएगा इंशाल्लाह ताला। कल भी व्लॉग बनेगा, आज का व्लॉग जो था यकीनन आपको देख के मज़ा आया होगा। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।